गुड मॉर्निंग अम्बाला। तो हे एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल लव यू जिंदगी। तो और आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक नया रोड ट्रिप वाला ब्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद मेरा ऐसा वाला वीडियो, ऐसा वाला ब्लॉग आ रहा है और हम लोग आ गए हैं अम्बाला स्टेशन, अम्बाला कैंट जंक्शन, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और हम लोग आए हैं तो हावड़ा कोलकाता से। आप सभी को पता ही है मैं कोलकाता की हूँ और हम जा रहे हैं अम्बाला से शिमला। और अम्बाला से जाते वक्त रोड में हमारा चंडीगढ़ भी पड़ेगा, तो अम्बाला और चंडीगढ़ दोनों को कम्बाइंड करके ये मेरा रोड ट्रिप है शिमला तक का। तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आप लोग सभी, क्योंकि मैं बहुत ही प्यार से ये रोड ट्रिप वाला ब्लॉग बना रही हूँ और आई होप कि आप सभी को अच्छा लगेगा ये वाला ब्लॉग। हम लोग तो अम्बाला जंक्शन में बहुत ही सुबह सुबह पहुँच गए थे, लगभग सुबह का 5:30 बजे तक। तो अभी तो सनराइज़ टाइम है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है सनराइज़। तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे मेरे साथ साथ मेरे ब्लॉग में सनराइज़। हम लोग जब आए ना कोलकाता से, तब उतना ठंड तो कोलकाता में हमने नहीं पाया, पर जब हम अम्बाला में उतरे तो इतना ठंडा था ना पूछिए मत, हम तो जम ही रहे थे। और बहुत ही तकलीफ़ हुआ इतना सुबह सुबह इतना ठंडा, क्योंकि हमारे कोलकाता में तो इतना ठंडा नहीं पड़ता। तो ठंडा तो है, हमें पता है दिसंबर जनवरी में तो बहुत ही इस तरफ जो कि चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल में बहुत ही ठंडा पड़ता है, तो हमें पता ही था। इसलिए तो बहुत ही सारा जैकेट्स वगैरह लेके आ गए हम, और हमारा लगेज भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप लोग जो प्लान कर रहे हैं ना, दिसंबर तो एंड हो ही गया है, जनवरी तो चल रहा है, तो इस वक्त जो लोग प्लान कर रहे हैं शिमला मनाली आने के लिए, तो बहुत सारा जैकेट्स स्वेटर वगैरह ज़रूर अपने लगेज में रखना। और लक्स का जो आता है ना, वो जो उलीकॉड वाला होता है, क्या कहते हैं उसे, इन्फानो भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो अब तो हम जा रहे हैं चंडीगढ़ जो सिटी के ऊपर से, पूरा ना ये कोलकाता का राजारहाट की तरह दिख रहा था, पूरा फील हो रहा था हम कोलकाता के जो राजारहाट एरिया है ना, न्यू टाउन, तो वहाँ पर आ गए हैं। तो चलिए, ज़्यादा बकबक तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये रोड ट्रिप आगे जाके बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक कमेंट सब्सक्रिप्शन है ना, वो मुझे आगे वीडियो बनाने में बहुत ही एनर्जी देगा। तो आगे भी मेरे चैनल में बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है, ट्रैवल ब्लॉग, टूर ब्लॉग, क्योंकि हम तो शिमला जा रहे हैं, शिमला से मनाली पूरा ट्रिप का जो ब्लॉग है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पूरा ट्रिप का जो ट्रैवल ब्लॉग है। तो ये देखने के लिए तो आप सभी को सब्सक्रिप्शन तो ज़रूर करना है, और सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, आपको पता ही है। तो सब्सक्रिप्शन करके, सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को मोटिवेट ज़रूर करना। तो चलिए, ज़्यादा बकबक नहीं करते, पूरा रोड ट्रिप आप लोग एंजॉय कीजिए। और आई होप कि इस वीडियो से अम्बाला टू शिमला और चंडीगढ़ टू शिमला जो भी कहे, और कालका से भी सेम ही रोड व्यू पड़ता है, और दिल्ली से भी जो लोग शिमला तक आते हैं तो उनको भी चंडीगढ़ से यही व्यू पड़ता है। तो आई होप कि आप सभी को व्यू का बहुत ही एक अंदाज़ा हो जाएगा कि शिमला तक व्यू कैसा है, और बहुत ही अच्छा है, सुंदर है व्यू, क्योंकि शिमला तक ना, चंडीगढ़ से शिमला तक
कुछ भी बोरिंग वाला व्यू नहीं है, पूरा एक सुंदर व्यू है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और सब कुछ इंफॉर्मेशन रूट मैप जो कहते हैं वो मैंने स्क्रीन में डाल दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं डाल दूंगी, वो भी देख लेना। तो अब हम आ गए हैं एक ढाबा में। इस ढाबा का जो नाम है वो है पंजाबी रसोई, और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, और ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। तो मैंने तो पूरा ही आप सभी से शेयर किया है, पहले ही स्क्रीन में डाल दिया है कि कितना टाइम लगता है अम्बाला से शिमला तक। पर आप लोग अगर ब्रेकफास्ट करेंगे तो आधा घंटा से एक घंटा तो जाएगा। इतनी ठंडी में ना चाय का मज़ा बहुत ही अच्छा लग रहा था। और नॉर्थ में आए हैं तो आलू का पराठा खाना तो बनता ही है, तो हम लोग तो ब्रेकफास्ट के लिए आलू का पराठा ही खा रहे हैं, और खा के हम निकलेंगे जल्दी जल्दी। तो ये ढाबा के सामने जो व्यू है ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और ये मेरा हस्बैंड है, आपको तो पता ही है, इनका नाम है इंद्रो। और हम लोग ना मेरी बेटी को लेके 9 पीपल्स आए हैं, तो बहुत ही मस्ती तो हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा और बात नहीं करते, आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए, रोड ट्रिप एंजॉय कीजिए।
हम लोग कब जा सकेंगे पता नहीं। ये ब्रिज कितना बड़ा है पहाड़ में, इतना बड़ा ब्रिज। तो लगभग पहुंचने वाले हैं हम शिमला पे, और बीच में तो मैंने मेरी बातें रोक दी थी क्योंकि ज़्यादा बात करने से ना रोड ट्रिप का मज़ा ही ख़राब हो रहा था। तो जो कुछ इंफॉर्मेटिव बातें थी तो वो तो मैंने कह दिया है। और आप लोगों को कैसा लगा पूरा रोड ट्रिप ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और मेरा एक बंगाली चैनल भी है जो मेरा मेन चैनल है, आप उस चैनल पे भी जाके मेरा सब वीडियो देख सकते हैं। और मेरा जो फेसबुक आईडी है, पेज है, सबका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इंस्टा में भी आप फॉलो कर सकते हैं। रील्स बहुत सारा जो आएगा ना शिमला का, मनाली का, बहुत सारा रील्स डालने वाली हूँ मैं, तो ज़रूर फॉलो करना। और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करके जाना, और आगे का वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए आज का वीडियो तो यही तक है, रोड ट्रिप वाला जो वीडियो है। तो आई होप कि आपने बहुत ही इन्जॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही सुंदर है ना व्यू, बहुत अच्छा है। साइड व्यू, फ्रंट व्यू मैंने सभी डाल दिया है इस वीडियो में। तो आगे भी बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है। तो हमारा होटल भी आ गया है, हम लोग होटल गुलमार्ग रेजेंसी में ठहरने वाले हैं। होटल का भी रिव्यू जल्दी शेयर कर दूँगी मैं। तो चलिए आज का वीडियो तो इतना तक ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत सारा बातें करते हैं और बहुत सारा गपशप करते हैं। तो चलिए टाटा।
सामान उठा लेना अपना सारा, ये वाला भी जो आवाज कर रहा है, जो आवाज कर रहा है ठीक है। आप सुनता बंद कर रहा है।